हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और दोस्तों, आपको पता है अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले कैनन का M50 कैमरा परचेज़ किया था और उसी का मैंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वारंटी के लिए। तो वही मैं उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज करके आपको बताऊँगा। अगर आपने भी अपने किसी कैमरे का, कैनन के कैमरे का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ऑनलाइन, तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि वो 1+1 वारंटी लेने के लिए, जो +1 वाली वारंटी होती है 1 ईयर के बाद वाली, उसके लिए कैनन कहता है कि वो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे कैनन के कैमरे का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। ये मेरा बॉक्स है कैनन के M50 कैमरे का, कैमरा बाहर है जिसमें से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जिसके थ्रू। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से आप भी अपने कैनन के कैमरे की या किसी और प्रोडक्ट की वारंटी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन उसकी वेबसाइट पे। सबसे पहले आप जाएंगे age.canon.co.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा है, साइन अप नाउ, इट्स फ्री। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट रजिस्टर किया हुआ है, आपने अकाउंट बनाया हुआ है कैनन पे, तो आप सीधा लॉगिन करेंगे, अदरवाइज साइन अप नाउ पे करेंगे। साइन अप नाउ पे जाने के बाद अलग अलग ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहली चीज, क्रिएट न्यू अकाउंट, आप बिल्कुल नया अकाउंट बनाएंगे डायरेक्टली अपनी मेल आईडी और नाम वगैरह एंटर करके। सेकेंड थिंग, आप फेसबुक के थ्रू बना सकते हैं। थर्ड, आप जो है गूगल के थ्रू बना सकते हैं। तो मैं गूगल के थ्रू जाता हूँ, इसमें थोड़ा शॉर्टकट वे रहता है। गूगल के थ्रू मैंने अपनी मेल आईडी से ये लॉगिन किया। उसके बाद आपसे क्रिएट न्यू पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड न्यू एंटर करेंगे हम। इसमें पहले आप देख लीजिए, इसमें नीचे लिखा हुआ है, द पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। ओके, तो इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं पासवर्ड टाइप करता हूं अपना। कंटिन्यू करते हैं। डेट ऑफ बर्थ ये पूछेगा आपसे। मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, मेल फीमेल, देन एड्रेस पूछेगा। कंटिन्यू। एक ओटीपी मोबाइल पे आएगा, वो ओटीपी आपको मोबाइल से देख के एंटर करना होगा। ओटीपी आ गया है मोबाइल पे मेरे, 685639। ओके, प्रोफाइल फोटो इसने मेरे जीमेल आईडी से ही उठा ली है, इसको हम चेंज नहीं करते। डेजिग्नेशन ये पूछ रहा है, प्रोफेशन मैं इसमें डाल देता हूं अपना।
बायो आई थिंक जरूरत नहीं है, मैं स्किप करता हूँ इसको। थैंक यू फॉर साइन अप, साइन अप हो गया है। अब यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू योर अकाउंट पेज। ओके अब इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है। वेलकम टू कैनन एज कम्युनिटी, एक्सटेंडेड वारंटी, फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स, गैलरी वर्कशॉप्स, माय पोर्टफोलियो। ओके अब माय रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हम जाते हैं, देखते हैं। इसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं दिखा रहा, इसलिए मैं इससे पहले मैंने क्योंकि कोई भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया था, प्रोडक्ट भी रजिस्टर नहीं किया था, अब मैं इसमें रजिस्टर नाउ पर जाता हूँ। रजिस्टर नाउ में जाने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट का सीरियल नंबर इसमें एंटर करूंगा, बताता हूँ वाले को। वैलिडेट करता हूँ, देखिए प्रोडक्ट इज अंडर वारंटी, वारंटी एंड्स इन 2023, अभी 21 चल रहा है, 21 से 22 और 22 से 23, तो कोई इशू नहीं है, वारंटी 2 साल की इसमें दिखा रहा है ये। इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये मेरे से मांगता है डीलर नेम और इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस की कॉपी। तो डीलर नंबर, मैं अपना बिल ओपन करता हूँ। बिल में जो मेरा सेलर है वो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है। जीरो फोर थ्री टू जीरो देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होने के बाद जब भी हम देखना चाहेंगे हमारा कौन सा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, तो अपने नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम जब रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं, तो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में हमें हमारी डिटेल के नीचे दिखाता है कि जो प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हो। तो ये देखिए M50 Mark II कैमरा, सीरियल नंबर ये है एंड वारंटी डेट ये है, परचेज इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है, ये क्या किस किस डेट पर परचेज हुआ है, सारी डिटेल दिखा रहा है, स्कैन कॉपी दिखा रहा है इनवॉइस की, सब चीज इसके अंदर ये सेव हो गई है। अब आपको अलग से भी अपनी इनवॉइस कॉपी के और संभाल के रखने की जरूरत नहीं है। और वारंटी क्लेम का ऑप्शन ही दिखा रहा है, सारी चीजें दिखा रहा है। क्लिक टू एक्सटेंड वारंटी ऑन प्रोडक्ट यूजिंग वारंटी एक्सटेंशन पैक, इसका एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप और एक्स्ट्रा पे करके एक्सटेंडेड वारंटी लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको दिखा रहा है। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपना नया प्रोडक्ट, और साथ में इसमें फोटोग्राफी फोटोग्राफी से रिलेटेड टिप्स ले सकते हैं, और जो इनकी वर्कशॉप्स होती हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं, तो रजिस्टर कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप भी अगर अपना कैमरा लें तो टाइम से उसको रजिस्टर्ड करिए ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने प्रोसेस बहुत इजी वे में जितना बेस्ट हो सकता था वो समझाया है आपको। फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है कि हमेशा से चाहत रहती है एक यूट्यूबर की। मैं भी कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ ही जो बेल आइकॉन होता है उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बाय बाय।